डियर धरती के लोग, आज मेरी ट्रिप को हो चुके हैं कुछ 11 डेज एंड ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर से ऊपर। पर एक बात तो है, यहाँ की सबसे खूबसूरत जगहों को शायद लास्ट के लिए सेव करके रखा था, क्योंकि इतनी हैरानी तो आज तक किसी लोकेशन में नहीं हुई मुझे। पर एक सेकेंड, यहाँ से हम लोग बॉलीवुड को रिक्रिएट करे बिना कैसे जा सकते हैं? मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपके साथ आज अपने कैंपिंग अरेंजमेंट को शेयर करने के लिए। सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव ऑलरेडी सेट अप एवरीथिंग एंड टुनाइट आई एम आल्सो कुकिंग सम फूड एट दिस कैंप साइट। सो हियर इज माय किचन सेटअप। दिस इज लाइक ऑल द मसालाज, ऑल द अनियंस, टमेटोज दैट आई परचेज टुडे फ्रॉम अ ग्रोसरी स्टोर। हियर इज अ लिटिल फायर अरेंजमेंट व्हिच इज ऑलरेडी सेटअप, बट ऑफ कोर्स फायर को अलाइव रखने के लिए वी शुड एड अ लिटिल बिट ऑफ अ लॉग। आज हम लोग थोड़ा सा मटन कुक कर रहे हैं, सो इस मटन को डिफ्रॉस्ट करने के लिए यहाँ पे एक ग्रिल है एंड वी विल हेड टू आवर कुकिंग लोकेशन विच आई हैव टू शो टू यू विच इज़ एब्सोल्युटली फिनोमिनल। इट्स सच अ ग्रेट कुकिंग लोकेशन। सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा प्रेप करके रखा है, दीज आर सम अनियंस एंड टमेटोज, बट ऑब्वियसली हैव टू कट सम मोर अनियंस। सो लेट मी शो यू अ लिटिल हैक ऑफ हाउ यू कैन कट अनियंस विदाउट कटिंग योर फिंगर्स। सो बेसिकली इंस्टेड ऑफ होल्डिंग योर फिंगर्स लाइक दिस, hold them like this and see, my fingers are going to be protected. This is actually a hack that I learned quite recently. We have some rice kept over here. Isme pani already dala hua hai, so let's light up our gas first. Rice can go on top of this. Here I have some mutton with me and over here barbecue spice mix. Maine ye bhi grocery store se liya tha, so I'm just going to put all of this barbecue spice mix on top of this mutton. I also picked up this spice mix, masala curry mix from a grocery store, and isme puri piche instructions hai ki aap mutton ko kaise cook kar sakte ho. Mujhe lag raha hai ki main cooking show bana rahi hu. I think oil garam ho gaya hai kafi. I think ab thodi tar 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 ki awaaz aa rahi hai, like Indian cooking mein tar 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 ki awaaz is like the क्या बोलते हैं उसे, indication is the indication कि आपका खाना पकने के लिए तैयार है। तड़ 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 की आवाज़ के लिए वेट किया करो। एक और प्याज डाल के देखते हैं थोड़ा आवाज़ आती है कि नहीं। नहीं आ रही यार। एंड नाउ वी हैव द तड़ तड़ वाली आवाज़ कमिंग इन, सो वी एड सम मोर अनियंस। लेट्स लेट इट कुक फॉर अ वाइल। और यहाँ पे हमारा अनियन पूरा गोल्डन ब्राउन होने की तादाद पे आ चुका है एंड इसके साथ साथ ही हमें फर्स्ट 3 लेयर्स ऑफ स्पाइस मिक्स भी ऐड करने हैं। ओह, दिस इज़ लाइक गरम मसाला। तो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं अफ्रीका में एकदम जीरा पाउडर, गरम मसाला, क्यूमिन, हल्दी इन सब को एक्सपीरियंस करूँगी, बट टर्न्स आउट द इंडियन इन मी नेवर लीव्स मी। इसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल रही हूँ ताकि हम लोग इसे राइस के साथ खा पाएँ बाद में। एंड आई थिंक मटन इज गोइंग टू बी रेडी। आई एम गोइंग टू शो यू द फिनिश्ड प्रोडक्ट एज सून एज वी आर डन विद द राइस एंड द मटन। ओके, सो आई वॉज कुकिंग मटन एंड देयर सीम्स लाइक देयर इज अ फॉक्स ओवर देयर, सो आई कैन सी अ फॉक्स। अभी उसकी आँखें चमक रही थी कुछ देर पहले। ओह, फिर से चमक रही है। सी, दैट्स अ फॉक्स, दैट्स अ फॉक्स इन द डिस्टेंस हु इज़ ट्राइंग टू स्टील आर फूड। डरने की कोई बात नहीं है, फॉक्स है तो क्या हो गया। लेट्स गो फाइनली टेस्ट आर मटन करी। ओके, और यहाँ पे जो राइस है वो भी पड़ा हुआ है ऑलरेडी, सो आई एम जस्ट गोना सिट डाउन ओवर हियर, स्टार्ट सर्विंग। ओह, मटन लुक्स सो गुड, जस्ट लुक एट दिस गाइस, द करी लुक्स अमेजिंग। एंड हियर गोस द फर्स्ट बाइट। मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि यहाँ पे एनिमल्स हैं, नेवरदलेस थोड़ा सा गर्म है इसलिए मेरे एक्सप्रेशन शायद थोड़े एग्जैजरेटेड लग रहे हैं, बट द टेस्ट इज अमेजिंग। हाई गुड मॉर्निंग गाइज, आज का दिन बहुत ही अच्छा होने वाला है।
because I am about 63 kilometers away from Sossusvlei. और अभी सुबह के 6:30 बजे हैं और ये जो गेट है जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये खुलने वाला है 7 बजे पर 7 बजे खुलने से पहले यहाँ पे लाइन लगनी शुरू हो चुकी है सो ये सब गाड़ियों की लाइन लग चुकी है आई एम 8th इन नंबर बट आई थिंक इट्स नॉट सच अ बैड नंबर क्योंकि पीछे से और गाड़ियाँ भी अभी आ रही हैं सो हम लोग जाने वाले हैं आज Sossusvlei एंड लुक्स वेरी गुड सो आज सुबह सुबह क्या हुआ ना कि बहुत ही जल्दी जल्दी मैं Everything was packed. I got ready because obviously I have to make it here. And the gate opens at 7. And look at these cars. मतलब सब लोग already line से जा रहे हैं अंदर. Because this is like a big deal. Sossusvlei आके everybody makes it to see these dunes. Dune number 45 is a very famous destination. It's a small hike, but वहाँ से view बहुत ही extraordinary आता है. And sunrise के time पे especially this destination is considered an absolute must visit if you're in Namibia. But the only thing is you have to make it here in time. So, ये है मेरे पास map सारा on the way right now, and I'm very excited about doing this. I just hope we make it over there. But this looks doable. It doesn't look very difficult. ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है Dune number 45 and छोटा सा हाइक है वैसे बहुत लंबा नहीं है और हाइक के बाद हमें यहाँ के 360 डिग्री नज़ारे बहुत अच्छे दिखने वाले हैं So let's scale the dune. पहुंच चुकी हूँ और ये है ड्यून नंबर 45 और हम लोग हैं यहाँ के अभी पीक पर थोड़ा सा ट्रैफिक है ज़रूर यहाँ पे बिकॉज हर ऊँची जगह पे ट्रैफिक तो होता ही है आजकल वेल व्हाट कैन आई डू बट कोई बात नहीं बहुत ही अच्छा नज़ारा है 360 डिग्री व्यू ऑफ ड्यून्स एंड ऑल्सो सम व्हीकल्स पासिंग बाय टू डेडवले जहाँ पर हम लोग इसके बाद जाने वाले हैं बट इतना अच्छा नज़ारा है कि मुझे मन कर रहा है मैं बस यहाँ पर ऐसे करके बैठ जाऊँ मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पहुँचूँगी एक दिन Thank you.
Okay, this may be my only opportunity to roll down. So, do you think we should do it? Kapdon mein rate chali jayegi. But I think we should do it. Aur ye mauka kab milega? Okay. Okay. Woohoo! Oh my god, rolling down the sand dune was so fun. Bas ye baat hai ki mere pe puri sand chipak gayi hai ab. But it was absolutely well worth it. I actually felt like a panda bear while doing it. Rolling down hills is now officially my favorite thing to do. Okay, so next destination is Deadvlei, and Deadvlei is a very famous Namibian spot, of course, mainly because of Instagram. But yahan ki history hai ki like thousands and thousands of years ago there used to be a forest here, but because of the changing environment and the changing landscape, sara pani recede kar gaya and jitne bhi ped yahan pe the wo mar gaye. To ab jo puri valley hai, puri ki puri valley hai, wo sukhi hui hai aur ped sare dry hai, and creates a very good contrast, white land, dead trees and surrounded by some orange mountains. But yahan aane ke liye aapko ek permit chahiye hota hai, because you cannot take your own car to Deadvlei. Wahan jaane ki road achhi nahi hai aur uske upar sirf shuttle hi chal sakti hai. So isliye abhi mereko shuttle ki ticket leni hai yahan se jaake. Shuttle. Bro, don't you look at that? I said, my friend, what you looking at? I think she is something for me. Excuse me, miss, it's my first time here. Maybe you could show me out of here. I think she got something in me. So please forget my rudeness if I'm tripping over your time. But you look so amazing. So it looks like हमें Deadvlei पहुँचने के लिए एक और छोटा सा हाइक करना पड़ेगा. So you see that dune over there behind me, वो हाइक करना पड़ेगा Deadvlei पहुँचने के लिए, और वहाँ उसे क्रॉस करने के बाद हमें पूरी वैली दिखेगी. आई थिंक Deadvlei का मतलब ना वैली होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो बेसिकली वी आर गोइंग इन टू द डेड वैली. तो ये रहा Deadvlei का एरियल व्यू जो मेरे पीछे है, एंड आई हैव टू से इट्स कम्प्लीटली आउट ऑफ द वर्ल्ड. इट्स सो अनबिलीवेबल कि यहाँ पे आई थिंक एक टाइम पे ओशन होया करता था. तो जितना भी आपको ये वाइट वाइट रेमिनेंट्स दिख रहे हैं, ये सारे उसी चीज़ के हैं. एंड नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू हेड बैक डाउन. तो अभी अभी पता है मैंने क्या किया यहाँ पे ना, मुझे फ़ोटोज़ लेनी थी कुछ एक आध अच्छी फ़ोटोज़, और ये इतनी अच्छी जगह है कि आई जस्ट वॉन्टेड टू लाइक गेट सम कुछ अच्छी ऐसे फ़ोटोज़. तो मैंने एक बहुत ही अतरंगी सा एडवेंचर किया यहाँ पे ना. मैंने ये स्कर्ट पहन ली, ये वाली जो आप देख सकते हैं अभी वीडियो में.
तो वैसे तो मैंने नीचे एक पैर ऑफ शॉर्ट्स पहनी हुई है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, मैंने बस ऊपर से डाल ली. बट मुझे बहुत फ़नी लगा ये कि यहाँ पे लिटरली कोई ध्यान देने वाला नहीं है, कोई नहीं देखता कि आप क्या कर रहे हो. तो ऐसा आई थिंक आई होप कभी हम लोग अपने देश में भी ऐसे कर पाए कि आप जो भी कहीं पे भी कुछ भी करो आपको देखने वाला कोई नहीं है, आपको कोई भी जज करने वाला नहीं है. अच्छी फ़ोटोज़ चेक, Deadvlei चेक, टू हाइक्स फॉर द मॉर्निंग चेक. और अभी धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है और गर्मी भी काफ़ी बढ़ चुकी है. आज सुबह मैं निकली थी डाउन जैकेट में और अब बस ही मैंने वाइट कलर का श्रग पहना है ताकि बस धूप चुभे ना, क्योंकि कंधों पे स्किन पे यहाँ पे धूप चुभती है. जर्मन साउंडिंग नेम है, दैट इज बिकॉज इट इज इन फैक्ट अ जर्मन नेम. अगर मैंने ऑलरेडी पहले स्ट्रेस नहीं किया हो तो नामीबिया वाज अ जर्मन कॉलोनी इनिशियली, तो यहाँ पे काफ़ी सारे नेम्स जो होते हैं वो जर्मन साउंडिंग होते हैं. बट हम लोग ऑज क्यों जा रहे हैं? ऑज हम लोग इसलिए जा रहे हैं बिकॉज हम लोग ऑज के पास एक कोस्ट टाउन विजिट करने वाले हैं. अगर आप 11 दिन से किसी सफर का हिस्सा हो तो वहाँ की रोड्स भी आपके दिल और दिमाग का हिस्सा बन ही जाती हैं. ऑब्वियसली ये रोड अच्छी है ज्यादा, लाइक C27 जिसमें हम लोग पहले ड्राइव कर रहे थे कल, वो तो बहुत ही बुरी रोड थी. बस एक छोटी सी रोड, वहाँ के ढलते सूरज से लेकर बदलते रंगों तक, वहाँ की बिल्डिंग और जो उसके साथ कभी कभी केयरफुली क्यूरेटेड लग्जरी मिलती है ना, वो भी अच्छी लगने लगती है. और फिर जब सूरज उगता है और पूरा कमरा धूप से बहने लगता है तो निकलने का मन तो नहीं करता. गुड मॉर्निंग गाइस. पर ये सड़कें राह भी तो तकने लगती है ना. पर एक बात तो है, घर से बाहर निकल के जितना दूर जाओगे ना, ये दुनिया आपको उतना ही सरप्राइज करेगी. ऑज जैसी जगह में आउट ऑफ नोवेयर बहुत सारे वाइल्ड हॉर्सेस दिखाएगी. और हो सकता है कि आप एक ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां किसी जमाने में बहुत सारे डायमंड्स मिलते थे, ट्रेडर्स रहते थे. कोलमनस्कोप हॉस्पिटल एंड इट वाज ह्यूज, इट कुड अकोमोडेट अप टू 250 पीपल. And it also housed the first X-ray machine in Southern Africa. It wasn't just used for broken bones, but to see if you spice up your sandwich with a diamond or two. But out of the blue, ek din sab gayab. Diamonds khatam and log ravana. Puri jagah ghosted, like it never existed. Sara human chaos hi khatam. Aur bach gayi sirf ret hi ret. You love somebody new, lost in your heart, baby. तो अभी अभी मैंने कोलमनस्कोप की एक टूर ली, लोकल टूर, और जो हमारी टूर गाइड थी वो जर्मन थी. एंड द गुड थिंग अबाउट दिस टाउन इज इसे गोस्ट टाउन इसलिए बोलते हैं क्योंकि अबाउट 100 ईयर्स अगो ये बहुत ही थ्राइविंग सा टाउन था. दैट वाज बेसिकली बिकॉज ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डायमंड्स दैट वर फाउंड हियर. हर फैसिलिटी थी, लाइक देयर वाज एन आइस फैक्ट्री, देयर वाज अ बुचर शॉप, देयर वाज अ ह्यूज शॉप जहाँ से सारा और जर्मन सामान इम्पोर्ट होता था. ये थ्राइविंग टाउन अब बिल्कुल ही डेड हो चुका है बिकॉज यहाँ पे कोई नहीं रहता. अजीब ही बात है ना, एक तरफ नेचर में सुकून भी है और दूसरी तरफ कंफ्यूजन. फर्क बस इतना है कि एक चीज को हम क्रिएट करते हैं और दूसरे चीज की हम लोग कदर नहीं करते.
अब मैं आ चुकी हूँ एक जगह जिसका नाम है हेल मेरिंग गॉसन. इट्स अबाउट 2.5 hours अवे फ्रॉम गोस्ट टाउन ऑलरेडी एंड टुनाइट आई एम जस्ट गोइंग टू स्टे हियर. टुमारो गेटिंग बैक टू विंडहॉक. दैट मीन्स माई ट्रिप हैज ऑलरेडी कम टू एन एंड. ओके सो स्पेशल सेगमेंट क्योंकि वीडियो तो खत्म हो चुकी है बट दिस कार हैज बीन माय होम फॉर द पास्ट 11 डेज सो आई हैड टू से गुड बाय. बहुत धूल है इसलिए मैं इसे हग तो नहीं कर सकती सॉरी. एंड इट्स एनीवे एन इनैनिमेट ऑब्जेक्ट एंड इट्स नॉट अ ह्यूमन. थैंक यू सो मच. यू आर वेलकम. यू आर वेलकम. थैंक यू सो मच. बाय बाय. दुर्गत दुर्गत आ रही है. दुर्गत आ रही है बाहर से.